तो यार आज हम जा रहे हैं अपनी प्लेटिना को मॉडिफाई कराने, इसमें बहुत सारे काम होने हैं, तो जब आप देखेंगे इसमें जो काम कराने जा रहा हूँ आपको बड़ा मज़ा आएगा। बहुत धूप है यार, मैं आ गया हूँ, टाइम हो रहा है 1:10, ये खड़ी हुई प्लेटिना, इसका ऑपरेशन होने वाला है वापस से वहीं। अब देखते हैं इस बाइक को मैं क्या क्या चेंजेस कराता हूँ इसमें। हम लोग काम कराएंगे सैडल स्टे, क्रैश गार्ड, लाइट्स, और अगर टॉप बॉक्स लग गया तो बढ़िया है, टॉप बॉक्स लगवाएंगे। तो अभी भैया ने पीछे वाला ये खोल दिया है, अब यहाँ पर क्रैश गार्ड लगेगा, लेट्स सी। तो यहाँ पर अभी हमारा ये भैया ये किस चीज़ का है? कोई बात नहीं, वो ये सब मत डाल, मैं कह रहा हूँ ये कौन सी बाइक का है, ये डोमिनार। अच्छा डोमिनार का है ये, तो कटिंग होगी यहाँ पर अभी। चलो आपने कुछ सुना ना इनके मुंह से निकला है अभी। और खोल रहे हैं आगे के लाइट वगैरह का सिस्टम, और यहाँ पर जुगाड़ चल रहा है, देखो आप यहाँ पर सैडल स्टे का पूरा सेटअप और ये टॉप रैक का सेटअप ऑलमोस्ट 70% रेडी हो गया है। इस तरीके से देखो इसमें सब कुछ प्रॉपर सेटिंग के साथ में हुआ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आई है इसको लगाने में। हालांकि बस एक परफेक्ट जुगाड़ जो बोलते हैं परफेक्शन के साथ में वो किए गए हैं, बहुत ही सुलझ करके। क्रैश गार्ड लग रहा है, क्रैश गार्ड अगर लगने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, ये डोमिनार का ही क्रैश गार्ड है, डोमिनार का ही टॉप बॉक्स का सिस्टम और सैडल स्टे है। तो ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा काम आ रहा है, जिस हिसाब से काम चल रहा है इसमें, लेट्स सी पूरा फाइनल क्या मिलता है इसका रिजल्ट। आपके सामने ये बाइक अभी ऐसी दिख रही है, देखिए इस तरीके से। ये अपना आपको मैं बता चुका हूँ क्या लग गया है, सैडल स्टे, टॉप रैक और बैक रेस्ट। ये देखिए जुगाड़ किया है हमने यहाँ पर क्रैश गार्ड का, डोमिनार का है, यहाँ से कट करना पड़ा, जो आपने देखा यहाँ से हमने कट कर दिया, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं था कहाँ पे उसको बोल्ट लगाते, तो ये कट हो गया जो कि बिल्कुल पेंट वगैरह कर दिया है। अब यहाँ पर देखोगे आप बिल्कुल सही से फिट हो चुका है। अब ये हेडलाइट का काम होना है और इसमें हैंडल चेंज होना है, तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा जब हैंडल वगैरह चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए इस तरफ से भी क्रैश गार्ड की बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग हुई रखी है। ये खड़े हैं मास्टर और ये उनके मास्टर के स्टूडेंट्स। यहाँ पर अभी संतोष भैया लगा रहे हैं लाइट जो कि क्रैश गार्ड में लग जाएगी। लाइट मेरे पास रखी हुई थी वो एक्सपल्स की, देखो उस तरफ वो रखी हुई थी, तो वही लगवाऊंगा। यहाँ पर रवि भाई जो है ना अपना ये पूरा हैंडल चेंज कर रहे हैं, हैंडल इसमें भैया एक्सपल्स का ही लगेगा ना? RD 350 हैंडल होता है वो किसी भी बाइक में होता है। अच्छा तो वो ही लगेगा जो एक्सपल्स में लगा था, बोलूँगा ना एक्सपल्स में जो लगा था वही हैंडल इसमें लगेगा, तो और ब्रॉड हो जाएगी ये। बाकी अभी देखो यहाँ से कुछ आपको लग रहा होगा पतली सी गाड़ी, लेकिन इसको भी हम इन सब चीज़ों से ब्रॉड कर दे रहे हैं तो बढ़िया लगेगी गाड़ी और मस्त। हालांकि अभी चीज़ें और इसमें बाकी हैं, हैंडल पूरा खोल दिया है भैया ने, अब इसका हैंडल चेंज होने वाला है, अब इसका हैंडल चेंज हो जाएगा, फिर देखते हैं हैंडल लगने के बाद कैसा लग रहा है। और अभी मैंने इसका टॉप बॉक्स मंगाया था तो टॉप बॉक्स लगा के देखा है, अभी देखते हैं उसको फिट करने के बाद कैसा लगेगा। ये हैंडल लग रहा है अब बाइक में, जो कि पहाड़ों पर एडवेंचर करते टाइम मुझे बहुत सपोर्ट करेगा। और देखो लाइट्स का सिस्टम यहाँ पर फिट होगा, इस तरफ की जो लाइट है वो देखिए लग चुकी है कुछ ऐसी, ठीक है, और हैंडल में भी काम चालू है। खैर इसमें पुरानी वाली लाइट की वायरिंग हो रखी थी वो अभी हट रही है, बहुत ज़्यादा मकड़ी का जाला हो गया था, ये देखिए आप किस तरीके से, तो अभी वो सब हट रहा है। हालांकि अभी नई चीज़ें हो गई हैं इसमें, ये सब चीज़ें जो हैजार्ड लाइट होती है उसका ये सिस्टम है, तो अभी सब रेडी हो रहा है। मेरी रेडी हो गई है पूरी, अभी बस यहाँ पे खड़ी होती है। टाइम हो रहा है तकरीबन 8 बज गए हैं और अभी हम वहीं हैं शॉप पर, और बाइक का काम आप देख लो कम्प्लीटली डन हो गया है। अगर मैं यहाँ से ऑन करूँ लाइट तो ये देखिए पूरा व्यू है यहाँ से बढ़िया सा। मैंने इसमें क्या क्या कराया है आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला मैंने इसमें लाइट चेंज कराया है, बल्ब वाइट बल्ब लगवाया है, डोमिनार का वाइज़र लगवाया है,
यहाँ पे मैंने हैंड गार्ड लगवाए हैं, और अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पर मैंने क्रैश गार्ड लगवाया है डोमिनार का ही, जो कि हल्का सा कटिंग हुआ है, आपने देखा है इस वीडियो में। लाइट्स जो मेरे पास रखी हुई थी एक्सपल्स में लगी हुई, वही लगवाई हैं। हैजार्ड सिस्टम लगवाया है पूरा, तो अब मुझे हाईवेज पे दिक्कत नहीं होगी। सैडल स्टे लग गया जो कि डोमिनार का ही है, उसी के साथ में ये पूरा बैक टॉप बॉक्स के लिए है, और ये उसका बैक रेस्ट है। तो ये सारा कुछ काम हुआ है यहाँ पर, और अब मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी कि गाड़ी कैसी लग रही है। स्टार्ट है और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा है। यहाँ पे देखिए हैजार्ड सिस्टम की लाइट्स का है, और ये फॉग लैम्प है मेरा, ये देखिए ये वाइट और ये फॉग लैम्प। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे से हैजार्ड सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये देखिए अभी आप देखिए ये यहाँ पर हैजार्ड लाइट्स हाईवे में हेल्प करेंगी, वो फॉग लैम्प लग गई हैं, और ये वाइट बल्ब जो लगा है ये फ़ायदा करेगा मुझे अंधेरे में, ताकि दिक्कत ना हो। और बहुत ही उम्दा लग रही है यहाँ से बाइक। मेरा काम बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया है, अभी देखते हैं कैसे रहेगा इसका एक्सपीरियंस, कैसी राइड्स जाएंगी। हालांकि ये बाइक कम ही इस्तेमाल होती है, तो यहाँ भी कम इस्तेमाल होगी, और मैं वहीं पर हूँ। ये आप शॉप देख रहे हैं बुलेट जोन, जो कि जनकपुरी में है। मैं अपना काम यहीं पर करा रहा हूँ, हालाँकि मैंने कार का बाइक का काम यहीं कराया है। अब देखते हैं इसके साथ कैसा रहता है। तो अभी यहाँ से घर पहुँचते हैं, फिर आपको बताते हैं अपडेट्स, कैसा लगा एक्सपीरियंस, कैसा लोगों का रिएक्शन है। ठीक है।